कांति मीणा जी और रफी खान साहब, अमित जी, राजीव अरोड़ा जी और खानू खान जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, सुब्रत सिंह जी, एचसीएच मेडिकल हेल्थ, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, वाइस चांसलर आरयूएचएस, डॉक्टर राजीव बगरेटा, प्रिंसिपल एसएमएस और तमाम यहाँ उपस्थित और पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए तमाम हमारे मेडिकल के अधिकारीगण, डॉक्टरगण, जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, आशा वर्कर भी जुड़ी हुई है, मुझे इस बात की बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि आज टीबी मुक्त राजस्थान का सम्मेलन हो रहा है एक प्रकार से। ये कोई प्रोग्राम जो है टीबी के बारे में चिकित्सा संस्थाओं में जो शिलान्यास लोकार्पण भी होंगे और 104-108 एम्बुलेंस का शुभारंभ भी हुआ। अभी मंत्री जी ने आपको सब विस्तार से बताया क्या सोच है सरकार की। आप सब इस बात का एहसास रखते होंगे कि मेडिकल हमारी शिक्षा के साथ में टॉप प्रायोरिटी है। किसी भी समाज में, किसी भी देश में या प्रदेश में शिक्षा पे जोर दे दें आप, स्वास्थ्य अच्छा रहे तो बाकी काम मानव संसाधन बन के अपना आप स्वतः ही आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि तो शिक्षा पे आप मुझे कहते गर्व है कि आज शिक्षा के रूप में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सारी संस्थाएं प्रीमियर राजस्थान में आ चुकी है, IIT, IIM, IIIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज खोल रही है हर जिले के अंदर। यूनिवर्सिटी पहले 6 थी खाली, जब पहली बार मुख्यमंत्री बना 6 विश्वविद्यालय थे, आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान। इस प्रकार से शिक्षा में हम लोग काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया। स्कूलों में, कॉलेज, अभी बताया मंत्री जी ने आपको, पूरे 70 साल में 250 कॉलेज खोले थे, अभी हमने 303 कॉलेज खोल दिए राजस्थान के अंदर। ये शिक्षा की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने शिक्षा के साथ में जो काम किया है, दूसरा सबसे बड़ा वो है चिकित्सा। सब बातें आपको बताई गई, मुख्य बात है राइट टू हेल्थ एक्ट बनाना। आप अधिकार दे दो पब्लिक को मांगने का सरकार से अधिकार के साथ में, वो बहुत बड़ा अधिकार होता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में और मुझे सोनिया गांधी के वक्त में 4 कानून बनाए गए थे देश के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी और नरेगा महानरेगा, जिसने जीवन दान दिया कोविड के अंदर भी लाखों मजदूरों को। वो अधिकार दिए थे पार्लियामेंट ने, कानून बना के दिए थे। उसी प्रकार से ये जो कानून बनाया हमने राइट टू हेल्थ का, ये अधिकार दिया गया। अब प्रदेशवासी अधिकार के साथ में बात कर सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की बन गई। इसके पीछे बहुत बड़ा मर्म है जो समझ नहीं आ सकता। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे चिकित्सा संस्थान को बढ़ाएं, मेडिकल कॉलेज हो या सुपर स्पेशलिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो CHC की बात करें, PHC की बात करें, सब सेंटर की बात करें या एक्सपर्टाइज की बात करें। तमाम संस्थाएं, मैंने कल बोला था मीटिंग के अंदर, आप सुना होगा कुछ लोगों ने, तमाम जो ऐसी संस्थाएं जो देश में कहीं नहीं है, कई जगह कुछ राज्य में होगी, वो संस्थाएं बन रही हैं। और तो कोविड के बाद में रिसर्च होने का काम भी हो रहा है, क्योंकि कोविड के बाद में लोगों को तकलीफ हो रही है। कल मैं पढ़ा था WHO की रिपोर्ट, वो बड़े चिंतित है, पूरी दुनिया के अंदर 20-30% लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग कोविड से प्रभावित है। अभी तक किसी का हार्ट का, किसी के किडनी का, किसी का लीवर का, किसी का फटीग हो रहा है, किसी आँख खराब हो रही है। तो ये कोविड के बाद में जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक आती जा रही है, लोग समझ नहीं पाते। आप देखते हैं, खबर पढ़ते होंगे,
नौजवान लोग हार्ट से मर रहे हैं, 40 साल का 45 साल। मैंने पढ़ा वहाँ पर जम्मू में कोई डांस कर रहा था, बच्चा गिर गया, लोगों ने कहा गिरने वाले डांस का पार्ट होगा, मालूम पड़ा ये तो डेथ हो गई। गुजरात के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, 2 बच्चों की डेथ हुई गुजरात के अंदर। ऐसे कितने गाने कई आपको मिलेंगे जिसमें अभी तक तकलीफ हो रही है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये तकलीफ कोविड के बाद की हुई है। मैं पूछता रहता हूँ बाल सबको भी, कोविड हो सके इसको अधिकांश जगह पर कोविड की शिकायत थी। कहने का मतलब ये है कि हमें उसका भी सावधान करना पड़ेगा पब्लिक को, जिस प्रकार हम टीवी के लिए कर रहे हैं। सारी बातें मंत्री जी ने कही, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। हमने बहुत कुछ फैसले किए हेल्थ के लिए, बहुत कुछ किए हैं, और कोई भी फाइल जो है मेडिकल की, डॉक्टर भंडारी गवाह है, ये वाइस चांसलर है, कोई फाइल हमारे जो मेडिकल संबंधित है वो फाइनेंस मिनिस्टर में खुद ही हूँ, वहाँ कोई फाइल रुकती नहीं है मेडिकल के संबंधित, मैं कह सकता हूँ। उसे अंदाज कर लीजिए कि हमारी प्रायरिटी क्या है। 26 मंजिल का हाईब्रिड टावर बन रहा है समझ के अंदर, 26 मंजिल का, एक साथ में 1,200 बेड बन जाएंगे एक साथ। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल हेल्थ के अंदर हम चाहते हैं कि राजस्थान देश में सिरमौर बने। मैंने कल कहा, मैंने कहा एनडी गवर्नमेंट चाहिए टीम भेजे राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार क्या क्या कर रही है। तो एकमात्र राज्य राजस्थान है राइट टू हेल्थ एक्ट देने वाला है, 25 लाख का बीमा देने वाला हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य राजस्थान है, जहाँ 25 लाख का बीमा आपका इंश्योरेंस का है। जिसको तकलीफ आती है उनको मालूम ऐसा होता है कि वास्तव में तेरी योजना है क्या। तकलीफ नहीं भी आती है तो गरीबों को एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका, कोई तकलीफ आ जाएगी तो तकलीफ नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि सरकार फ्री इलाज कर, ये विश्वास दिलाना आम जनता को बहुत बड़ी बात है। आज पूरे प्रदेशवासियों को, गरीब अमीर सबको साथ दिया गया है, जिसका आवश्यकता है। मंदिर जी कह रहे हैं आपको करीब 1,80,00,000 जो है परिवार को जोड़ा, अभी महंगाई राहत शिविरों के अंदर सबको गारंटी दी गई है श्री योजना के अंदर। अभी हमने फैसला किया कि 850 रुपये लेते थे पहले पैसे वालों से, वो भी हमने कह दिया कि 8 लाख की इनकम कम होगी, EWS है, SC ST OBC कोई है उनको फ्री किया जाएगा इलाज, फ्री जोड़ा जाएगा श्री योजना से। तो लंबी कहानी हो तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी जो 1.04.08 एम्बुलेंस, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जब से ये योजना लागू हुई है, तब से मैं समझता हूँ अच्छी सेवाएं रही 1.08 की भी 1.04 की भी रही, उसकी बढ़ोतरी आज की है। और जिस प्रकार चिकित्सा भवनों का लोकार्पण हो रहा है, नए अस्पताल बन रहे हैं, नई PHCC बन रही है, इसको बढ़ाते जाएंगे। हम लोग चाहेंगे धीरे धीरे हर गांव के अंदर सब सेंटर बने। अभी मैं मंत्री जी बात कर रहा था कि हम चाहेंगे हम इतने आगे बढ़ रहे हैं कि गांव वालों को तकलीफ नहीं हो, छोटी मोटी बीमारी के लिए क्यों जाए वो जिला मुख्यालय पर या उपखंड मुख्यालय पर। इस प्रकार के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे मेडिकल। और ये जो TB मुक्त की बात की गई है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। ये रोग बहुत खतरनाक रोग होता है, आप सब जानते सुनते होंगे, ये आज नहीं वर्षों से रोग है। ये राष्ट्रीय योजना है इसकी, आजकल तो फ्री इलाज होता है, पहले बहुत कॉस्टली हुआ करता था, बहुत कॉस्टली इलाज होता था पहले TB का, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आपको आश्चर्य होगा या जानकारी भी होगी कि लोग इलाज के अभाव में मर जाते थे, इतना कॉस्टली होता था। ये मेरे बचपन से मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती थी, डॉक्टर दवाई देता है वो लापरवाही करता मरीज, ये डॉक्टर बैठे होंगे मुझे ज़्यादा जानते होंगे। इसमें अगर मान लो जो दवाई दी गई है
अगर मरीज देता नहीं है, लापरवाही करता है, नियमित नहीं लेता है, वो दवाएं उसके लिए काम करना बंद कर देती है। तो बंद कर देते, मालूम नहीं पड़ता मैं दवाई ले रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, फिर उसको और ऊंचे ढंग की दवाई देनी पड़ती है। इतनी जानकारी रखते नहीं लोग। और टीबी इतना भयंकर रोग है, हर वक्त क्या बीतती है लंग्स में आप सोच सकते। खांसी अपने होती है, खांसी की तकलीफ रहती है, आजकल खांसी भी नहीं तरीके से आ रही है, एक महीना डेढ़ महीना लेती है खांसी ठीक होने में पूरे देश के अंदर, ये सुनते रहते हैं हम। और टीबी तो हर वक्त खांसी वाली बात हो गई, क्या बीतती है वो उसके ऊपर परिवार पर, और लंग्स खराब होते 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 डेथ हो जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ये, जो आज जो मीटिंग है इम्पोर्टेंट मीटिंग आपकी है। मैं बधाई दूंगा हमारे तमाम कलेक्टरों को, सरपंचों को, आप सबको जो आए हो, क्योंकि पंचायतों में टीबी मुक्त पंचायत होगी, 29 पंचायत होगी हिंदुस्तान में, कहते हैं सबसे ज्यादा पंचायत मुक्त राजस्थान में होगी, इसलिए आप सबको बधाई रहता हूँ। आज 12 भीलवाड़ा जालौर जैसलमेर को टीबी मुक्त में मिला जो अवार्ड मिला है, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद उदयपुर उनको कांस्य पदक मिला है, ये भी एक शुभ संकेत है कि हम इसमें सीरियस है। मैं चाहूँगा इस मुबारक मौका है, हमने 104-108 गाड़ी रवाना कर रहे हैं, हम लोग सोचें किस प्रकार से जो अभी टारगेट बना के चल रहे 7,000 ग्राम पंचायतों का, और 2025 तक राजस्थान में पूरी तरह टीबी मुक्त राजस्थान बने, वो तभी बनेगा तब पूरे प्रदेशवासी, पूरे डॉक्टर, नर्सेज, आशा सहयोगी, सब लोग, टीचर्स हो, डॉक्टर कोई हो, ये जो माहौल बनता है तब जाके इम्पैक्ट पड़ता है। कोरोना के अंदर में देखा, मेरा अनुभव कहता है कोरोना में जो हमने मैनेजमेंट किया उसमें हमने सबको साथ दिया, धर्म गुरुओं को भी, एनजीओ को, संस्थाओं को, आम जनता को भी, सबने इमदाद करी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरे कहते हो घर है कि राजस्थान में, एक तो ऑक्सीजन कोई नहीं मरा और भूखा कोई नहीं सोया, इतना व्यवस्था करी सरकार ने भी, पूरी व्यवस्था करी, सर्वे करवा कर 25-32 लाख लोगों का बराबर डीबीटी करते गए हर मंथ उनको 1,000 रुपये की, 1,500 रुपये डीबीटी करी, कहने मतलब ये हमने पूरा ध्यान रखा। उस वक्त में एक नया अनुभव मुझे भी हुआ कि कोरोना के अंदर अगर प्रदेशवासी हम अगर आह्वान करें, एकजुट हो सकते हैं, और विश्वव्यापी वो महामारी थी, ऐसी महामारी से पार पाना बहुत बड़ी बात होती है, तो हम अगर टीबी को लेकर अगर सोच लें कि हम टीबी मुक्त रास्ता बनाएंगे, 2030 विजन हमने दिया है, उसके माने ये है हर क्षेत्र में 2030 से रास्ता क्या बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में मिशन 2030 जो मैंने परसों आह्वान किया है, लॉन्च किया है, 1 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं हम लोग राजस्थान के, राय ले रहे हैं, क्या सोच सकते हैं अपनी, हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सब मिलकर के हम लोग तय कर लेंगे पैरामीटर हर विभाग के, हर क्षेत्र के, तो हम ऐसी स्थिति में आ सकते हैं राजस्थान भी कम से कम देश के अंदर जो अग्रिम श्रेणी के राज्य हैं, अगर नंबर 1 नहीं बने तो कम से कम अग्रिम श्रेणी के राज्यों के तक हम भी पहुंचे लगातार। इस प्रकार से इस सोच के साथ में एक मिशन शुरू किया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आंकड़े बताए गए, मेरे को बताया गया है यहां पर, भारत में जो है 2015 के अंदर 10 लाख में 251 जो है मरीज होते थे इसके टीबी के, अब जो है 10 लाख में 7 लाख 210 मरीज होते, मतलब कुछ कम हुए हैं, इससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते, हम चाहेंगे और स्पीड बढ़े इसकी। और कहते हैं भारत में जो है दुनिया के 26% रोगी जो है भारत के अंदर, दुनिया भर के रोगी में 26%, उसमें 6% रोगी राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करें अगर सीमित है राजस्थान तक, हम चाहेंगे कि जो 6% रोगी टीबी के राजस्थान में हैं उनको टारगेट बनाकर हम चलें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम इसमें
कामयाब हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। इतने मैं इतने कहना चाहूंगा, लंग्स की सबसे खतरनाक बीमारी जो है, कोविड को हरा सकते हैं हम लोग तो हम टीबी को हरा सकते हैं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, मेरा मानना है। यही बात का दवा सब आपको आग्रह दिए मंत्री जी ने, मैं समझता हूँ कि उसी रूप में आगे बढ़े और सब मिलकर राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाए। पहला सुख निरोगी काया, जो हमारे दादा जमाने के लोगों ने, सबसे बड़ा जो पहला सुख होता है जिंदगी का वो होता है कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी काया रहे आपकी। और हमने सरकार बनते 2019 के अंदर निरोगी राजस्थान को लेकर अभियान शुरू किया था, दुर्भाग्य से एक साल बाद में कोविड आ गया 20 के अंदर, हमारा जो अभियान था वो थोड़ा धीमा पड़ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो अभियान चल रहा अभी फ्री मेडिसिन का भी है और आप सब देख रहे हैं कि चेंज योजना का भी है, राजस्थान नंबर 1 बने, ये सपना हम देखें आगे बढ़े। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पहला सुख निरोगी काया, ये व्यक्ति का अपना सरोकार होता है, लेकिन यदि सरकार का सरोकार बन जाए, सरकार का प्रमुख ध्येय बन जाए, तो उसे ही हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे राज्य के हमें माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं। और एक बात, एक सूचना जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहते हैं कि 3 अगस्त को जो अंगदान महाभियान का जो अभियान हमने इसी पांडाल में मुख्यमंत्री निवास पर जो हमने आयोजन किया था, उस आयोजन के बाद लाखों लोगों ने वो शपथ ली है और आज एक रिकॉर्ड हमने बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है। जोरदार तालियां आपके इसके लिए। हम आपको बता दें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें अनुरोध करना चाहूंगी वे उस सर्टिफिकेट को यहाँ लेकर आए और हमारी ACS मैडम शुभ्रा सिंह जी को ये सर्टिफिकेट दें। और ACS मैडम से अनुरोध करना चाहेंगे, ये गर्व और गुमान के क्षण ये हम सब के लिए। और हम आपको बता दें, विश्व में पहली बार ऐसा कहीं हुआ है कि इस तरह की मुहिम में 1,43,50,892 लोगों ने इस पे शपथ ली और इस अंगदान महाभियान और इसके हमारे इस मुहिम में जुड़ी हुई भावना जी हमारे बीच हैं, जो इस अभियान में जुड़ी हुई है, राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, और हम सब के लिए गर्व और गुमान के पल। और आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि अंगदान का ये संकल्प और इस संकल्प से मिलेगा उत्साह, जरूरतमंद को नई जिंदगी का विकल्प। हम सब अंगदान और देहदान की हम एक बार फिर इस मुहिम में और शामिल हों, ये आंकड़ा 1 करोड़ से बढ़कर और आगे बढ़े, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। और आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो फिल्म। अंगदान है महादान, यही है वास्तविक नायिका और नायक की पहचान। वर्तमान समय में सार्वभौमिक रूप से अत्यंत पुनीत कर्म माना जाता है अंगदान से जीवन दान, बोन ऑफ लाइफ थ्रू ऑर्गन डोनेशन। फिलहाल हमारे देश में हर साल जरूरत पड़ती है लगभग 1,80,000 किडनी ट्रांसप्लांट, 1,00,000 कॉर्निया ट्रांसप्लांट, 50,000 हार्ट ट्रांसप्लांट और 30,000 लिवर ट्रांसप्लांट की। लेकिन दुखद है कि अंगदान के विषय में व्याप्त भ्रांतियों व अंधविश्वास के कारण रोगियों को प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध हो पाते हैं केवल 5% के लगभग आवश्यक अंग। ऐसे में अंगदान के महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित किए जा रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यूनिट्स, तथा मुख्यमंत्री के निर्देश से अंग प्रत्यारोपण में वृद्धि करने और आम जन को अंगदान के प्रति जागरूक और प्रेरित करने हेतु पूरे राज्य में 3 अगस्त से 17 अगस्त 2023 तक मनाया गया अंगदान महाअभियान।
जिसके प्रारंभ में ही 3 अगस्त को मनाया गया भारतीय अंगदान दिवस। इस दौरान हर जिले में अंगदाताओं तथा अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों को किया गया सम्मानित। अंगदान के विषय में छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए हर स्कूल में आयोजित हुए भाषण, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं। अंगदान महाअभियान पखवाड़े में हर ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया रैली, दौड़ और मैराथन का आयोजन। इस उपलक्ष्य में सीकर जिले में 130 व्यक्तियों द्वारा कराई गई अपने देहदान के लिए रजिस्ट्री और इसी दौरान राज्य भर में कुल 5,00,000 संस्थानों पर 1,43,00,000 से अधिक लोगों के द्वारा ली गई अंगदान की शपथ और राजस्थान ने बनाया विश्व कीर्तिमान। अंगदान जीवन दान महाअभियान बना एक जन आंदोलन। ऐसे अनेक प्रयासों के साथ साथ समाज में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए धर्म गुरुओं को भी जोड़ा गया है इस अभियान से, ताकि अधिक से अधिक लोग आगे आएं और किसी न किसी परिवार के जीवन में खुशियां भर सके अंगदान से। अंगदान जीवन दान महाअभियान। अंगदान जीवन दान महाअभियान और इस विश्व रिकॉर्ड के मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और इस अभियान में शामिल हमारे CMHO जो इसमें शामिल थे, 4 CHMO को आज यहाँ हम सम्मानित करने जा रहे हैं। माननीय से अनुरोध, इनका सम्मान प्रशस्ति पत्र प्रदान कर करें। सबसे पहले मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर, जिला कलेक्टर के नेतृत्व में सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर अंगदान महाअभियान का संचालन आपने किया और लोगों को अंगदान की शपथ लेकर आप प्रथम स्थान पर रहे हैं। 10,09,817 लोगों को आपने अंगदान की शपथ दिलवाई, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर। और इसके बाद मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय, ₹9,03,099 लोगों को अंगदान की शपथ दिलाकर द्वितीय स्थान पर रहे हैं, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय। और अब मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिरोही, सिरोही 9,02,478 लोगों को आपने शपथ दिलवाई है। और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला झुंझुनू, झुंझुनू 1,48,904 लोगों को आपने शपथ दिलवाई है। आइए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सखी किट वितरण, और इसके लिए 3 ANM को हमने यहाँ चयनित किया है। करौली से अनीता डुगर, बूंदी से सोनाली गुप्ता और उदयपुर से हेमलता शर्मा। डिजिटल सखी ERCH किट वितरण इन 3 ANMs को किया जा रहा है। हम आपको बता दें इसमें इस किट में वजन नापने की मशीन के साथ कई प्रमुख जांचों के किट उपलब्ध है। माननीय उसका अवलोकन कर रहे हैं। ये डिजिटल सखी ERCH किट 3 ANM को आज यहाँ दिया जा रहा है। अनीता दुगर करौली से, बूंदी से सोनाली गुप्ता और उदयपुर से हेमलता शर्मा। धन्यवाद। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से, राजस्थान के 220.34 करोड़ रुपए की लागत से
115 नवीन भवन निर्माण कार्यों का शिलान्यास और 122.48 करोड़ रुपए की लागत से 100 नव निर्मित भवनों का लोकार्पण। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर आइए। और ये एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण, 115 नवीन भवनों का शिलान्यास 320 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से। और इस क्रम में और एक बार पुनः लोकार्पण के लिए ये 122 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 109 नव निर्मित भवनों का लोकार्पण आज किया जाना है। और आइए देखते हैं कौन से भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। सबसे पहले जिला डी के कामा विधानसभा क्षेत्र के नवीन भवन का निर्माण, जिला अनूपगढ़ के रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के नवीन भवन का निर्माण, लागत राशि 1,10,00,000 रुपए। अच्छा, जिला बालोतरा दो विधानसभा क्षेत्रों के दो नवीन भवन, जिला बांसवाड़ा 9 विधानसभा क्षेत्रों के 5 नवीन भवन, जिला बारा के अंता विधानसभा क्षेत्र के नवीन भवन का निर्माण, जिला बाड़मेर के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 6 नवीन भवनों का निर्माण, जिला भरतपुर बैर विधानसभा क्षेत्र के नवीन भवन का निर्माण, जिला भीलवाड़ा के 2 विधानसभा क्षेत्रों के 5 नवीन भवनों का निर्माण, जिला बूंदी के हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के नवीन भवन का निर्माण, जिला चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र नवीन भवन निर्माण, जिला दौसा 4 विधानसभा क्षेत्र के 32 नवीन भवनों का निर्माण, जिला डीग के कामा विधानसभा क्षेत्र के नवीन भवन का निर्माण, डूंगरपुर 4 विधानसभा क्षेत्र के 11 नवीन भवनों का निर्माण, जिला फलौदी लोहावट विधानसभा क्षेत्र के नवीन भवन का निर्माण, जिला जयपुर ग्रामीण के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 4 नवीन भवनों का निर्माण, सांचौर जिला सांचौर के सांचौर विधानसभा क्षेत्र के नवीन भवन का निर्माण, जिला झुंझुनू के 2 विधानसभा क्षेत्रों के 2 नवीन भवनों का निर्माण, जिला कोटा रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र नवीन भवन निर्माण, जिला कोटपुतली बहरोड के बांसूर विधानसभा क्षेत्र नवीन भवन निर्माण, जिला कोचामन डीडवाना 5 विधानसभा क्षेत्रों के 12 नवीन भवन, जिला नागौर 2 विधानसभा क्षेत्रों के 8 नवीन भवनों का निर्माण, जिला शाहपुरा जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के नवीन भवन का निर्माण, और जिला सीकर के 2 विधानसभा क्षेत्र के 7 नवीन भवन का निर्माण, जिला सवाई माधोपुर 2 विधानसभा क्षेत्र 7 नवीन भवन, जिला टोंक देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र नवीन भवन का निर्माण। और आइए अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 122 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 109 नव निर्मित भवनों का लोकार्पण। और इस क्रम में जिला अलवर के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 12 नव निर्मित भवन, जिला बालोतरा के विधानसभा क्षेत्र के नव निर्मित भवन, जिला बारा के अंता विधानसभा क्षेत्र के नव निर्मित भवन का निर्माण, बाड़मेर के विधानसभा क्षेत्र के 2 नव निर्मित भवन, जिला चित्तौड़गढ़ 2 विधानसभा क्षेत्र 6 भवन, जिला दौसा 3 विधानसभा क्षेत्र, जिला दूदू विधानसभा क्षेत्र के नव निर्मित भवन का निर्माण, जिला डूंगरपुर 2 विधानसभा क्षेत्र और 3 भवनों का निर्माण, जिला फलौदी लोहावट विधानसभा और नव निर्मित भवन, जिला जयपुर ग्रामीण के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 6 भवनों का निर्माण, जिला जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र नव निर्मित भवन, जिला सांचौर 2 विधानसभा क्षेत्रों के 2 भवनों का निर्माण, जिला झालावाड़
मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र नव निर्मित भवन, जिला झुंझुनू 3 विधानसभा क्षेत्र के 6 नव निर्मित भवन, जिला जोधपुर ग्रामीण भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नव निर्मित भवन का निर्माण, जिला खैरतल तिजारा 2 विधानसभा क्षेत्र तिजारा के, जिला कोटा के 5 विधानसभा क्षेत्र और 15 भवन, जिला कोटपुतली बहरोड के 2 विधानसभा क्षेत्र 18 भवन, जिला नागौर विधानसभा क्षेत्र के नव निर्मित भवन, जिला नीम का थाना मंडावा विधानसभा क्षेत्र, जिला राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के 2 नव निर्मित भवन, जिला शाहपुरा 2 विधानसभा क्षेत्रों के 2 भवन, जिला सीकर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के नव निर्मित भवन का निर्माण और जिला सिरोही 2 विधानसभा क्षेत्र 3 भवन।